लेटेस्ट हरियाणा न्यूज चैनल देखने वाले सारे श्रोताओं ने सुशील सियाग की प्यार भरी राम राम और नमस्ते। फिलहाल भाई खांडा खेड़ी गांव में है, हिसार डिस्ट्रिक्ट का 29 नंबर वार्ड है जिला पार्षद का। तो हमारे साथ में जिला पार्षद बैठे है रतन लाल सिंह बड़गुजर। तो जानने की कोशिश करांगे इनते ये किन मुद्दे लेके फिलहाल 29 नंबर वार्ड में तूफानी दौरा लगा लो, डोर टू डोर लगा लो, एक जनसैलाब के रूप में दिखा दे कैमरामैन ने कहूँ एक बार आराम आराम थे, बहुत सारे लोग सैकड़ों की तादाद में इनके साथ में घूमने लग रहे हैं। तो किन मुद्दों को लेकर ये इलेक्शन लड़न लग रहे हैं इनते जानने की कोशिश कराएं। हाँ जी राम राम। हाँ जी राम राम। लेटेस्ट हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है और आपका नाम पता दर्शक जानने के बिल्कुल उतावले हो रहे। धन्यवाद। तो पार्षद साहब ये बताओ, आप बहुत सारे पार्षद आपके इस 29 नंबर वार्ड में इलेक्शन लड़ने लग रहे हैं, आपके विशेष क्या मुद्दे रहेंगे? क्योंकि एक तरफ तो युवा की डिमांड कुछ और रहा है, बुजुर्ग की डिमांड कुछ और रहा है, और मतलब बीच वाले की कुछ और डिमांड रहा है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जब भारतवर्ष का लोकतंत्र का गठन हुआ 1952 में, तो 1952 के बाद आज तक चुनाव होते रहे हैं और पंचायत मेंबर से लेकर मेंबर पार्लियामेंट तक का, और अभी पंचायती राज में पंचायत मेंबर, सरपंच, ब्लॉक समिति और जिला परिषद का मेंबर का अब चुनाव होने जा रहा है जी। तो लोकतंत्र का मायने ये है कि जनता के प्रतिनिधि जिस आशा और उम्मीद के साथ लोगों को चुनते हैं उस आशाओं पे पूरा उतरें। लोगों की उम्मीद होती हैं कि हमारे गाँव का स्कूल बढ़िया हो, हमारे गांव का स्वास्थ्य केंद्र है, हॉस्पिटल है, वो अच्छा हो, गांव की सड़कें बढ़िया हो, गांव का भाईचारा बढ़िया हो, बिजली का अच्छा प्रबंध हो, और बहुत सी चीज़ें इस प्रकार के जो जनता के प्रतिनिधि को दायित्व देती हैं उनके कंधों पे बोझ डालती हैं, और जो जितना समर्थन जिसको ज़्यादा मिलता है उतनी ही जिम्मेवारी उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है जी। तो मैं एक वर्ष से लगभग जिला परिषद के इस वार्ड में अपनी तैयारी में लगा हूँ। मेरे गांव के भाइयों ने, 36 बिरादरी ने और गुआंड के सभी भाइयों ने मेरे को एक आग्रह किया कि आप जिला परिषद का चुनाव लड़ो। मैं रतिया हल्के से सेवानिवृत्ति के बाद मैंने 35 वर्ष तक सरकारी नौकरी करी है। उसके बाद मेरी थोड़ी सी उमंग बनी और भाइयों की रह बनी भी, आपने 25-30 साल से तो समाज की सेवा कर रहे हैं, परंतु सरकारी कलम जब हाथ में नहीं आती, जब आदमी इतना भला नहीं कर सकता जितना कि कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता कर सकता है। आज मैं जिला परिषद का सदस्य बनूंगा, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, मेरे हलके के आशीर्वाद से, तो मैं SDM से, DSP से, SHO से, तहसीलदार से, मैं जिला परिषद के सदस्य की हैसियत से बात करूँगा जिन्होंने मेरे को बनाया है, और उनकी हैसियत से बात कहूँगा भी मेरे हलके का, मेरे गांव का, मेरे खांडे गांव का, ये काम आपकी ये करिए, उसने करना पड़ेगा। तो इन बातों के लिए हम उसमें मैदान में उतरे हैं, और बड़े विद्वान लोगों ने कहा है अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों का कब्जा हो जाएगा। इन सभी बातों को मद्देनज़र रख के हम जिला परिषद के इसमें मैदान में उतरे हैं। पार्षद साहब ये है नहीं, घोषणाएँ एक घोषणाएँ के रूप में घोषणाएँ रह जाए हैं, बहुत सारे MP MLA पार्षद घोषणाएं करते हैं, तो जनता जनार्दन का विश्वास कैसे जीत पाओगे? बात हुआ है, बात सियाग साहब ऐसे हैं, इंग्लिश में एक लाइन है, ए गुड वाइन नीड नो पुश, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं 89 में नौकरी में लगा और 5-4 साल, क्योंकि मेरा घर का हालात थी, माली हालात बड़ी कमज़ोर थी, मेरे पिताजी अकेले कमाने वाले थे, मैं केवल 5-4 साल की नौकरी के बाद ही समाज के कार्य में लग गया था। संत कबीर छात्रावास आज इंडिया में उसका नाम लिया जाता है, भारतवर्ष के अंदर उसका नाम है। जो बच्चे कमज़ोर हैं, जिनके माँ बाप शहर में अच्छी फीस नहीं भर सकते, वो मतलब वहाँ पढ़ते हैं, और आई साल उन बच्चों में से जो भी वैकेंसियाँ निकलती हैं उनमें से हर एक वैकेंसी में भर्ती होते हैं। और मैं उसका, जब से ज़मीन मिली हमने अपने हाथों से, अपने प्रयास से ली, मेरे साथियों के, मेरी बड़ी ज़बरदस्त टीम थी उनमें, मैं उस जमात में बतौर जनरल सेक्रेटरी 18 साल रहा जी।
और 11 से 16 साल तक मैं मतलब प्रधान की मैंने जिम्मेवारी संभाली है जो संस्था ने मेरे को दी है। तो मैं तो अपने लिए ज़्यादा न कह कर इस बात के लिए कहें कि सामाजिक परिवेश से सामाजिक धरातल से मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। और जो जैसे मैं आज खांडा गांव में बैठा हूँ, खांडा गांव का जितना परिवार पूरा सारे से मैं परिचित हूँ, सारा मेरा परिवार की तरह है। क्योंकि गांव से भी इनसे पूछोगे कि बड़ गुजर को जानते हैं, ये अपने आप से बता देंगे। एक आदमी नौकरी करी है, बीबी बच्चों तक महफूज रहता है, अपने रिजर्व रहता है, वो हमारा क्षेत्र नहीं रहा। मैंने छात्रावास का उस मकाम संभालने के बाद शनिवार और इतवार दो दिन की छुट्टी कभी परिवार को नहीं दी। पूरी के पूरी 7-8 दिन होते हैं महीने में अपने समाज की सेवा के लिए लगाए और हम उसमें कामयाब भी हुए। हमें इस बात की भी खुशी है, बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो आरक्षण का प्रावधान किया है। मेरा मिशन है कि कमज़ोर से कमज़ोर जो व्यक्ति है, जो झोंपड़ी में बैठा है, उसको भी लाभ मिलना चाहिए आरक्षण का जो बाबा साहब ने प्रोविज़न किया है। हमारी मेरी लड़ाई सबसे ज़्यादा ये है भी जो कमज़ोर रह गया है उसको भी हाथ पकड़ के हमने बराबर में खड़ा करना है। जी, ये मेरा मकसद। तभी आरक्षण का मतलब ही तब सिद्ध होगा। भाई हमें मतलब जो सरकारी स्कीमें हैं, काफ़ी स्कीमों का तो आम लोगों ने पता नहीं लगता जी। 1-1.5 लाख रुपया पक्के मकान के लिए बनाने के लिए दिया जाता है, 80,000 रुपया मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है। परंतु मैंने खांडे गांव में कई साथियों से पूछा, एक साल में 2-2, 4-4 घरों को भी नहीं मिल पाता। पैसा तो सरकार ने उनके गरीबों के लिए अलॉट किया है, परंतु किसी को तो पता नहीं होता और कुछ की पहुंच नहीं होती। जो दाढ़ी मजदूरी में महफूज नहीं है, सुबह लगते हैं शाम तक मतलब मैंने 7-8 बजे मजदूरी करके आते हैं। आज गांव में एग्रीकल्चर की मजदूरी नहीं है। बड़े बड़े जमींदार होते थे, उनकी दिहाड़ी मजदूरी चलती थी, गांव उसके ऊपर डिपेंड होता था। आज ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझता हूँ एक मजदूर की एक महीने में 10 दिन भी मजदूरी नहीं लगती। बड़ा कठिन होता है घर गृहस्थी मजदूरी से चलाना। कृषि यंत्र आगे, कहने का मतलब ये है। हाँ जी, कृषि यंत्र आगे, हर एक चीज़ की मशीन से कटाई मशीन की, आज धान की कटाई चल रही है मशीन से चल रही है। नहीं मजदूर, मैंने मजदूरी करी है, एक एक महीने से ज़्यादा मैंने साड़ी का काम किया है और एक साल तक का अनाज हमने खरीदना नहीं पड़ता था। आज सारी मशीनरी से होगी और मज़दूर बेकार हो गया। मेरा प्रयास होगा जो मेरे दिमाग में है, 5-5, 10-10 बच्चों के एक जमात बना के, सोसाइटी बना के एक छोटे लघु उद्योग गांव में विस्थापित किए जाएं, जिसकी प्रोडक्शन सरकार ले सीधी और रॉ मटेरियल भी सरकार उपलब्ध कराए और मालिकाना इनके बच्चों का हक हो और ऐसा ऐसा और को जरिया नहीं इनका उठने का। आगे आगे मजदूरियां और बहुत कम होती जा रही हैं जी। तो मेरा यही प्रयास है, सरकार की स्कीमें बहुत हैं परंतु मजदूर तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि हैं वो अपना दायित्व अच्छी तरह से नहीं निभा पाते जी। तो हल्के की बात करें, हल्के में किस तरह की आपके टक्कर में 7-8 और उम्मीदवार हैं, किस तरह का प्यार प्रेम मिलन लग रहा है जनता जनार्दन का और कितनी फाइट आप? देखिए सियाग साहब, मेरा गांव लुहारी है, 5,000 वोटों का मेरा गांव है। परसों के दिन पहले तो मैं उनके पहले भी आशीर्वाद से उनसे लेके खड़ा हुआ था, भाई आपका आशीर्वाद अगर नहीं है तो मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, मेरे को उमंग नहीं है। तो परसों के दिन भी सारा का सारा पूरा गांव इकट्ठा हुआ, 36 बिरादरी कई सैकड़ों की तादाद में थे, वो उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया है और उन्होंने कहा है कि पूरे इलाके में, मेरा गांव भी पूरे इलाके में 36 बिरादरी घर घर जाके वोट मांगेगा, वोट की अपील करेगा, मेरे को आशीर्वाद दिलवाएगा। और मैं तो यही भरोसा दिला सकता हूँ इनके आशीर्वाद से, हल्के के आशीर्वाद से अगर मेरे को कामयाबी मिलती है तो मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से मैं काम करूँगा और मैं प्रयास करूँगा कि समाज का हमारे ऊपर बहुत ऋण है। क्यों ऋण है? कि जो हम कर्मचारी अधिकारी लग रहे हैं उनका सबसे ज़्यादा हिस्सा SC का कर्मचारी और अधिकारी को मिलता है। 20% SC की रिजर्वेशन है और 20% में से SC के 2-3% लोग ही मतलब ना रिजर्वेशन का हिस्सा ले पाते हैं और वो
बाबा साहब ने जब कहा था बैक टू सोसाइटी, पे बैक टू सोसाइटी, भाई मैंने आपको इतना ताकतवर बना दिया, नौकरी लगा दी, MLA MP बना दिए, आप भी समाज की संभाल करना, कम से कम 10% अपने समाज को वापस करना। ऐसा नहीं हो पाता। मैं गांव गांव घर घर जाके जितने भी कर्मचारी मेरे भाई साथी हैं उनको जागरूक करने का भी प्रयास करूंगा कि अपने समाज को साथ लेके चलें। सरकारी जितनी स्कीमें हैं उनको इम्प्लीमेंट जो होती हैं उनका इम्प्लीमेंट कराने में उनके सहयोग करें जी। इस प्रकार की मेरी भावना रहेगी। बुजुर्ग और महिलाओं की बात करें उनके लिए विशेष क्या प्लान लेकर चल रहे हो आप? बुजुर्गों की सियाग साहब काफ़ी, जैसे पेंशन की बात है, पीछे बिना काम की पेंशन बिना किसी रीज़न के काटी गई हैं, बड़ा दुख होता है। और जो थोड़े ज़्यादा ही समझदार जो लोग होते हैं वो बनवा लेते हैं अपनी मर्जी से, चाहे कम उम्र के भी हों, और जो ज़रूरतमंद हैं कई 65 साल के भी हों उनकी भी नहीं बन पाती। तो ये काम है पंचायत जनता के नुमाइंदों का, वे उनकी मदद करें। कई लोगों पे तो मैं घरों में देखता हूँ इशार में किराया भी नहीं होता जाने का बुज़ुर्गों के पास, और ना उनको ये पता पेंशन बनेगी कहाँ, कहाँ पेंशन बनेगी, किसको कहना है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा हरेक गांव में CSC सेंटर में अपने हिसाब से मैं बनाऊंगा, और इनको कहीं जाना ना पड़े तो मैं प्रयास करूंगा कि इनके घर से ही फार्म हम ले जाएं, और इस प्रकार की इनको तकलीफ़ ना हो, ताकि मेरा दायित्व पूरा हो। और मैं तो अगर ये सेवा कर सका तो मैं तभी मानूंगा भी तेरा जीवन सफल है। मैंने परिवार के लिए तो कर दिया, मेरे बच्चे कामयाब हैं, सब कुछ अपना अपना काम कर रहे हैं, मेरा तो ये जो भी बाद का जीवन बचा है मैं अपने समाज के लिए लगाना चाहता हूँ, यही मेरी भावना है। जी धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये रतनलाल बड़गुजर जी हमारे साथ फिलहाल मौके के पर, आपने सारी बात सुन ली इनकी, आपने इनकी बातों में कितना दम कितना विश्वास है एक सभ्य कमेंट के जरिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट अपडेट में, तब तक राम राम, जय हिंद।